हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके का 14वां एपिसोड लेकर आया हूं। सबसे पहले हम टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद मौर्य काल से इम्पॉर्टेंट नोट्स को देखेंगे। इस क्लास में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इस क्लास का एक ही लक्ष्य है कि आपका सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन करवाना है, क्योंकि आप सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ते हैं तो फिर आपका दिमाग से निकल जाता है, तो एक साथ रिवीजन नहीं हो पाता है। तो एक साथ हम इस वीडियो में क्या करते हैं कि रिवीजन करवाते हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम में रिपीट हुए प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है टिबडल खेल से संबंधित है। ऑप्शन है आपका टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, गोल्फ, तैराकी। तो टिबडल खेल का संबंध आपका टेबल टेनिस से है। किससे है? टेबल टेनिस से। इसका व्याख्या देख लीजिए। टिबडल टेबल टेनिस के खेल से संबंधित एक पद है जिसका तात्पर्य खेल के दौरान रॉकेट को पलटने हेतु घुमाने से होता है। प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? ऑप्शन है आगा खां फुटबॉल से, उबेर कप गोल्फ, डूरंड कप फुटबॉल, राइडर कप गोल्फ। तो आप क्या हो जाएगा, कौन सा सही है इसमें? तो आपको बता दूं कि आगा खां का संबंध आपका फुटबॉल से नहीं है, आगा खां का संबंध है हॉकी से। किससे है? हॉकी से। अगला है आपका उबेर कप, उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। उसके बाद डूरंड कप का संबंध आपका फुटबॉल से सही है, राइडर कप का संबंध गोल्फ से सही है। यानी ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आगा खां कप हॉकी से, उबेर कप बैडमिंटन से, डूरंड कप फुटबॉल से तथा राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? किस खेल में? फुटबॉल में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, टेनिस में। तो आपको बता दूं कि आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहते हैं कि उपयुक्त दिए गए खेलों में से बैडमिंटन खेल में गेंद का प्रयोग नहीं होता है। बैडमिंटन का खेल रैकेट तथा शटल कॉक से खेला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पहला हैवी वेट मुक्केबाज है जो अपने सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ? ऑप्शन है रॉकी मार्सिएनो, ली एपर्सन, लैरी होल्मस, माइकल सिंपक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉकी मार्सिएनो। कौन होगा? रॉकी मार्सिएनो। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इतालवी अमेरिकी बॉक्सर रॉकी मार्सिएनो अपने संपूर्ण बॉक्सिंग करियर के दौरान कभी परास्त नहीं हुआ। वह 23 सितंबर 1952 से 27 अप्रैल 1956 तक विश्व हैवीवेट चैंपियन थे। अगला प्रश्न है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? ऑप्शन है कुश्ती, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और कबड्डी। तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध है भारोत्तोलन से, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। तो सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। देख सकते हैं सुब्रतो कप भारत की अंतर स्कूलीय फुटबॉल प्रतियोगिता है जो स्कूलों में कंपटीशन करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 6, 7, 4, 5। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर हो जाएगा बास्केटबॉल में कितने होते हैं, तो बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। आप पूरा देख लीजिए यहाँ पे। क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11 प्लेयर, रग्बी फुटबॉल में 15, बेसबॉल खो खो में 9, नेटबॉल वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में कितना होता है, 5 होता है। उसके अलावा देख सकते हैं पोलो में 4, टेनिस और बैडमिंटन में कितना होता है, 1 या 2।
तो बास्केटबॉल में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप देख लीजिए, अभी एक्सप्लेनेशन हम बताएं कि बेसबॉल में कितना है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 है, बेसबॉल और खो खो में कितना है, 9 है। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है। ऑप्शन है 7, 9, 5, 4। तो आपका आंसर हो जाएगा, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए 7 होता है। कितना होता है, 7। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि वाटर नेटबॉल और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना है, 7 है। अगला प्रश्न है, शिव थापा किस खेल से संबंधित है। शिव थापा किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है फुटबॉल, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक, तैराकी। तो शिव थापा का संबंध है मुक्केबाजी से, किससे है, मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, शिव थापा भारतीय मुक्केबाज है, इनका जन्म गुवाहाटी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गीत सेठी का नाम आप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जोड़ते हैं। तो गीता सेठी का नाम है, आपका ऑप्शन है गोल्फ, बिलियर्ड्स, लॉन टेनिस और क्रिकेट। तो आप कौन सी खिलाड़ी है, ऑप्शन नंबर बी बिलियर्ड्स। अगला प्रश्न है, नारायण कार्तिकेय किस खेल का खिलाड़ी है। ऑप्शन है फार्मूला 1, कार दौड़, शूटिंग, शतरंज, गोल्फ। तो नारायण कार्तिकेय का संबंध है फार्मूला 1 कार दौड़ से। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है। तो थॉमस कप ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। तो आपका आंसर हो जाएगा, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी थॉमस कप है, जबकि उबेर कप का संबंध महिला टेनिस से है। उबेर कप का संबंध किससे है, महिला टेनिस से, और थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है मोरस एल्वा, सेड्रस देवदार, लिनन, यूसीटेटी सोइमम और सेलिक्स परप्यूरिया। तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सेलिक्स परप्यूरिया। क्या हो जाएगा, सेलिक्स परप्यूरिया। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सेलिक्स परप्यूरिया का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सेलिक प्रोपेजर में ही आने वाली सेलिक्स एल्वा केरुलिया का प्रयोग भी क्रिकेट के बल्लों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पिचर शब्द का संबंध किससे है। ऑप्शन है कुश्ती, मुक्केबाजी, बेसबॉल और बास्केटबॉल। तो आपका आंसर हो जाएगा, पिचर बेसबॉल से संबंधित शब्दावली है। बेसबॉल में पिचर वह होता है जो कैचर को गेंद फेंकता है। क्या हो जाएगा, कैचर को गेंद फेंकता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बेसबॉल। क्या हो जाएगा, बेसबॉल। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगर 45 डिग्री कोण से मारा जाए तो बॉल सबसे ज़्यादा दूर तक क्या होता है, जाता है। देख सकते हैं, क्रिकेट की गेंद को 36 से 45 डिग्री के कोण से फेंके जाने पर वह अधिकतम 36 दूरी तय कर देगी। अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मोहिंदर सिख, अजीत पाल सिंह, जोगिंदर सिंह, मिल्खा सिंह। तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। किसे जाना जाता है, मिल्खा सिंह को। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम में पहला सेंचुरियन कौन सा था। पहला सेंचुरियन कौन था, तो भारतीय टीम के पहला सेंचुरियन थे आपका ऑप्शन नंबर सी लाला अमरनाथ। भारत में सबसे पहले उन्होंने सेंचुरी लगाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसका व्याख्या देख लीजिए। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में प्रथम टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड लाला अमरनाथ के नाम है। इन्होंने दिसंबर 1933 में इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरी पारी में शानदार 118 रन बनाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन से के नाम से प्रसिद्ध है? आप देख सकते हैं ऑप्शन अजय जडेजा, अजय रत्तस, कपिल देव और नवाब पटौदी। तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं कपिल देव। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि इन्हीं के नेतृत्व में वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में जो टीचर होते हैं, यानी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षक को। देख सकते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बटोरने का कीर्तिमान किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम है? ऑप्शन है गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स, सुनील गावस्कर, ब्रायन लारा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार प्रीवियस ईयर में यही प्रश्न आते हैं। तो खेल से आपका एक न एक प्रश्न आएगा और ये वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आपका एक नंबर एक क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ब्रायन लारा। ब्रायन लारा ने एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। देख सकते हैं कि टेस्ट मैचों में किसी एक पारी में सर्वाधिक 400 रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा के नाम है, जो इन्होंने 2004 में इंग्लैंड के विरुद्ध क्या किए थे, बनाए थे। अगला प्रश्न, जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? ऑप्शन है 12वां डैन, पीली बेल्ट, 10वां डैन, काली बेल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा 10वां डैन। क्या हो जाएगा? 10वां डैन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, जूडो की उपाधियों को मुख्यतः 16 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस वर्गीकरण में 16th क्यों को से सबसे निम्न उपाधि तथा 10वां डैन को सर्वोच्च उपाधि माना जाता है। जिगारो कानो, जिन्हें जूडो का संस्थापक माना जाता है, को उनके मरणोपरांत 12 डैन के प्रतीकात्मक सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बीमर शब्द का संबंध है आपका क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बीमर क्रिकेट में गेंदबाजी से जुड़ी शब्दावली है, जो जब कोई गेंद तीव्र गति से बिना बाउंस के बल्लेबाज की कमर के ऊपर से फेंकी जाती है तो उस गेंद को बीमर की संज्ञा दी जाती है। ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। अगला प्रश्न, जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखता है? तो जसपाल राणा का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से। देख सकते हैं जसपाल राणा भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज है, जो वर्ष 1994 में इन्हें अर्जुन अवार्ड तथा 1996 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विजडम द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो 20वीं शताब्दी का आपको बता दूं कि ICC द्वारा 5 खिलाड़ी को जो 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया था, उसमें से जो आपका इसमें ऑप्शन है उसमें एक नाम शेन वॉर्न है। कौन है? शेन वॉर्न। देख सकते हैं विजडम द्वारा 20वीं शताब्दी के 5 क्रिकेटरों की सूची घोषित की गई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न भी शामिल थे। ICC द्वारा इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही नहीं है? साइना नेहवाल बैडमिंटन, विश्वनाथन आनंद शतरंज, जी मिल्खा सिंह फुटबॉल, सानिया मिर्जा टेनिस। तो इसमें कौन सही नहीं है? तो जी मिल्खा सिंह क्या थे? तो एक गोल्फर थे। क्या थे? गोल्फर थे। तो ये सही नहीं है। बाकी साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से, विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज से है, सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम को टेस्ट का दर्जा नहीं मिला है? तो इंग्लैंड तो बहुत फेमस है, आप तो जानते ही हैं, बांग्लादेश भी खेलता ही है, दक्षिण अफ्रीका भी खेलता है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा केन्या। कौन सा हो जाएगा? केन्या।
व्याख्या देखिए कि दिए गए विकल्पों में घन के एसोसिएट सदस्य देश केन्या को टेस्ट टीम का दर्जा नहीं मिला है, जबकि अन्य तीनों देश को पूर्णकालिक सदस्य है और यह क्रिकेट के तीनों संस्करणों में खेल सकते हैं। वर्तमान में 12 देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, अफगानिस्तान, आयरलैंड को टेस्ट टीम का दर्जा प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि जून 2017 में अफगानिस्तान तथा आयरलैंड को ICC का पूर्णकालिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2020 क्रिकेट नियमों से कौन सा सही नहीं बताया गया है? हर पारी की समय सीमा 75 मिनट है, ये सही है। यदि विकेट गिरने के बाद 90 सेकंड के भीतर बैट्समैन क्रीज पर न पहुंचे तो बॉलिंग कर रही टीम को दंड के 5 अतिरिक्त रन मिलते हैं, ये भी सही है। एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 ओवर बॉलिंग कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है, पारी के पहले 6 ओवरों के लिए फील्डिंग प्रतिबंधित लागू होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी एक बॉलर एक पारी में T20 में केवल 4 ही ओवर कर सकता है, 6 ओवर नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। व्याख्या देख लीजिए, ICC के नियमों के अनुसार 2020 क्रिकेट के रूप में ICC के नियमों के अनुसार 2020 क्रिकेट के प्रारूप में एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 4 ओवर ही बॉलिंग कर सकता है, न कि 6 ओवर। अगला प्रश्न, ICC का प्रथम T20 विश्व कप प्रतियोगिता किसने जीता था? आप सभी को याद होगा 2007 में सबसे पहले भारत ने इसे क्या किया था, पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में इसे सबसे पहले भारत ने जीता था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, वर्ष 2007 में ICC T20 विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 रनों से पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC विश्व कप 2019 का एम्बेसडर किसे नामित किया गया था? तो ICC विश्व कप 2019 का, उससे पहले बता, जो 2023 में जो विश्व कप हुआ है, इसका ब्रांड एम्बेसडर आपको सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया था। साथ में आपका इसका ब्रांड एम्बेसडर आपका शाहरुख खान भी थे। और इसके अलावा है, 2019 का बात करें तो 2019 में किया गया था सर क्लाइव लॉयड को। किसे किया गया था? सर क्लाइव लॉयड को। अगला है, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का पहला मैच इंग्लैंड के किस मैदान पर हुआ था? तो यह मैच, पहला मैच इंग्लैंड के ओवल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ओवल में हुआ था। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर ने 12 मार्च 2012 को एशिया कप में किसके सामने खेलते हुए अपनी 100वीं सेंचुरी बनाई थी? तो सचिन तेंदुलकर काफ़ी मेहनत के बाद बांग्लादेश के खिलाफ क्या की थी, बनाई थी। देख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर ने 12 मार्च 2012 को एशिया कप में बांग्लादेश के विरुद्ध खेलते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय मैचों का 100वां शतक बनाया था। अगला है, क्रिकेट 2023 का विश्व कप आयोजित होगा, तो क्रिकेट 2023 का विश्व कप आपका आयोजित हो गया है, किस देश में हुआ है? तो आप सभी को पता है, भारत में हुआ है, जिसमें भारत किससे हार गया, तो ऑस्ट्रेलिया से हार गया। ऑस्ट्रेलिया 2023 विश्व कप का विजेता रहा। अगला प्रश्न है, आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप का संबंध है आपका हॉकी से। किससे है? हॉकी से। व्याख्या, आगा खां कप भारत की राष्ट्रीय हॉकी की एक प्रतियोगिता है। नेहरू ट्रॉफी, रंगा स्वामी कप, बेटन कप, अजलान शाह कप, अब्दुल्ला कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, कपूर स्वामी ट्रॉफी आदि हॉकी की अन्य महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रूप सिंह के नाम पर। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, 2017 में विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी और फाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 9 रन से हराया था।
अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल टीम में आपका टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में विकेट के 2 सेट के बीच में कितना दूरी होता है? तो बता दो, क्रिकेट के 2 सेट के बीच में जो विकेट होता है उसके बीच में 22 गज का दूरी होता है। कितना होता है? 22 गज। आप देख सकते हैं क्रिकेट में विकेट के 2 सेट 22 गज यानी 66 फीट या 20.012 मीटर की दूरी पर होते हैं। यह स्टंप 264 सेंटीमीटर क्षैतिज रेखा के मध्य गाड़े जाते हैं। इसी रेखा को बॉलिंग क्रीज कहा जाता है। बॉलिंग क्रीज से 122 सेंटीमीटर आगे पॉपिंग क्रीज होती है। अगर बॉलिंग करते समय बॉलर का पहला पैर लेफ्ट और राइट पॉपिंग क्रीज से पूर्णतः बाहर चला जाए तो वह बॉल अंपायर द्वारा नो बॉल करार दी जाती है। अगला प्रश्न है, 2018 के हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2018 के हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया था। देख सकते हैं पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के मध्य कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर भारत में किया गया। पुरुष फाइनल में बेल्जियम ने नीदरलैंड को 0-0 बराबरी पर आने के बाद पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से पराजित कर जीत लिया। महिला हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन 21 जुलाई से 5 अगस्त 2018 के मध्य लंदन इंग्लैंड में किया गया। फाइनल मैच में नीदरलैंड ने आयरलैंड को 6-0 से पराजित कर रिकॉर्ड 8वीं बार विश्व कप के खिताब जीता। अगला प्रश्न, किस खेल में बुल्स आइस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बुल्स आइस शब्द का प्रयोग किया जाता है आपका शूटिंग में। किस में किया जाता है? तो शूटिंग में। अगला प्रश्न, किस देश की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए दूसरी इनिंग में 418 रनों का लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए टेस्ट में इतिहास रचा था? तो बता दूं कि यह इतिहास वेस्टइंडीज ने रचा था। किसने रचा था? वेस्टइंडीज ने। देख सकते हैं कि वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए दूसरी इनिंग में 418 रनों का लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचा था। वेस्टइंडीज की टीम यह कारनामा 7 विकेट खोकर सेंट जॉन्स में हुई 2003 में यह कारनामा किया था। अगला प्रश्न, जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एमस्टर्डम के प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता उस टीम का कप्तान कौन था? तो ऑप्शन है ध्यानचंद, जयपाल सिंह, लेबो खान, किशन लाल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यानचंद। सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। क्या हो जाएगा आंसर? जयपाल सिंह। देख सकते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था उस टीम का कप्तान कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह। देख सकते हैं वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। इस टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे। तब से लेकर भारतीय टीम लगातार 6 बार 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 तथा 1956 में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। वर्ष 1964 एवं 1980 के ओलंपिक खेलों में भी भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। तो पहले हॉकी का टीम बहुत ही स्ट्रांग होता था, ऐसे नहीं भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे हॉकी का आपका वर्चस्व घटता गया, भारत का खिलाड़ी में कमी आती गई और क्रिकेट का बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप कुछ हम मौर्य काल से इंपॉर्टेंट नोट्स को देखेंगे। आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। अब हम मौर्य साम्राज्य का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में इससे प्रश्न आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था।
इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और कौटिल्य, यानी चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त है और कौटिल्य भी है। चाणक्य ने किस पुस्तक लिखा है? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को क्या किया है, लिखा है। चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा पन था, याद रखिए, क्या था? पन था। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। किसने किया था? तो सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। फिर आगे क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था और इस मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। कौन लिखी है? इंडिका नामक पुस्तक लिखा कौन है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों का अंत कर दिया था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था और इसने भारत के 8 महाजन पदों पर कब्जा कर लिया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ा शासक था और इसने अपने साम्राज्य को बहुत फैलाया। इसके अलावा देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। किस धर्म को? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सर्वन बेलगोला में उपवास के दौरान क्या हुआ था? हो गया था। आगे है, मौर्य वंश का अगला शासक जो था वो था बिंदुसार। बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन हुआ अगला शासक? बिंदुसार हुआ। पुराने में बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसार, बरिससार के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया था बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजन पदों पर राज किया जिसके बाद अशोक मौर्य वंश का अगला शासक बना। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक कौन था? पोता था। देख सकते हैं अशोक सबसे सफल शासक था जिसने बहुत सारे जनपदों को जीत लिया था। अशोक के पूरे मौर्य वंश में सबसे महान शासक था। इसके शासनकाल में शिला लेखों का प्रचलन भी बढ़ गया। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं अशोक देव नाम प्रिय के नाम से क्या था? विख्यात था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फेनथेलर ने की थी और सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिसेप ने इस शिलालेखों को पढ़ा था। उससे पहले इस शिलालेखों को कोई पढ़ नहीं पाया था। इसके अलावा प्रारंभ में अशोक जैन धर्म का अनुयायी था लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मार काट के बाद इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। यानी अशोक बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेता है और जो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था मौर्य वंश का, इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए यहीं पर क्लास हम समाप्त करते हैं। अगले क्लास में एपिसोड नंबर 15 में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।